वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ में चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है और कुछ में आपको ये कंडीशंस बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। 10 स्टूडेंट्स, 10 बच्चे हैं एक क्लास में, मान लीजिए मैथ के क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 टाइम्स, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, 4 ज्यादा, और इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी बॉयज जितने भी हैं लड़कियों से 4 ज्यादा है। बॉयज अगर 4 हैं तो लड़कियों से 4 प्लस 4 हो जाएंगे, बॉयज अगर 6 हैं तो 6 प्लस 4 होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज पता लगाना है, वो भी ग्राफिकली। चलिए पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है। तो पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट करने जा रहे हैं। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या को एक्स मान लिया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, अभी कंडीशन क्या बोला गया है कि वो 4 ज्यादा है, ठीक है, या वाई मान लेते हैं इसको, क्योंकि एक्स और वाई वाला है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो बातें हैं, पहले तो स्टूडेंट्स 10 हैं टोटल, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स ये 10 है, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी। दूसरा, एक्स और वाई को इक्वल रखिए, दूसरी कंडीशन, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, क्या कह रहा है कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो या तो आप 4 यहाँ से कम कर दीजिए या 4 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आपकी मर्जी है। चलिए मैं तो ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम वो बनाते हैं बॉक्स, नीचे वाले के बॉक्स पहले बना लें, आसान लग रहा है, ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, ठीक है, बहुत आराम से बन जाएगा ये। तो x की वैल्यू पुट करते जाइए, पुट x इक्वल टू 0, दो बॉक्स बनेंगे x और y, x अगर 0 रखते हो तो y आ जाएगा 0 जमा 4, कितना आ गया 4, ठीक है, तो y इक्वल टू 4 आ गया, x 0 रखा y 4 आ गया, पुट x इक्वल टू 1, तो y क्या आएगा, y हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5, ठीक है, आपने इसे 1 रखा तो ये 5 आ गया, कितना क्लियर हुआ। चलिए नाउ इक्वेशन फर्स्ट को कर लीजिए, x प्लस y इक्वल टू 10 है, y x को ये उधर भेज दीजिए, x इक्वल टू 10 माइनस y मैंने कर दिया, ठीक है। अब बॉक्स बना लेते हैं x और y का, आप x की वैल्यू रख के देखिए कुछ भी, अच्छा ये बॉक्स तो कहीं ना कहीं मिलने चाहिए, तभी तो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। x की वैल्यू आप रखिए, y की वैल्यू रखिए, क्या रखिए, 4 रखते हैं, पुट y इक्वल टू 4, तो हमारा x आ जाएगा 10 माइनस 4 है, यानी कि 6 आ गया, ठीक है, ये हमारा 6 आ गया जब हमने 4 रखा था। एक और रखो, पुट y इक्वल टू 5, अगर y अगर हम 5 रख रहे हैं तो क्या आएगा, x हमारा क्या आ जाएगा, 5 रखिए 10 माइनस 5, 5 आ गया, ठीक है, दोनों ही सेम आ गए, यानी हमारे पास दो बॉक्स बन गए। बॉक्स में यहाँ लिख लेते, रब करना पड़ेगा, एक्स वाई, एक है 0 4 और एक है 1 5, दूसरा बॉक्स है एक्स वाई 6 4 5 5, ठीक है। अब इसको ग्राफ के द्वारा हम इसे सॉल्व करते हैं, जहाँ भी एक दूसरे को काटेंगे वही वैल्यू ये ग्राफ पेपर पे बिल्कुल एग्जैक्टली आएगी, आप लोग इसे ग्राफ पे कीजिएगा, कितना क्लियर हुआ। आगे बढ़े, इसको ग्राफ बनाइए, ठीक है, नेगेटिव तो कुछ दिख नहीं रहा, सब पॉजिटिव है, बराबर बराबर डिस्टेंस ले लेंगे, बिल्कुल बराबर फुट्टे से नाप के आप ले लीजिए इसको, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्स है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव में एक और दो बना लो बहुत है। अच्छा ये कितना बना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डिस्टेंस सारी बराबर होनी चाहिए, अगर एक एक सेंटीमीटर तो एक ही होगा। अब x 0 है और y 4 है, x 0 है और y 4 है, कहाँ पे, ये y 4 है ना, ये रहा 0, इतना इधर जा सकता है ना, इधर x 0 y 4 है,
एक्स वन है और वाई फाइव है, एक्स वन है और वाई फाइव है, ये है आपका एक्स वन और वाई फाइव है, वन और फाइव इनको मिला दीजिए, ये पहली इक्वेशन है आपकी या दूसरी जो भी। उसके बाद एक्स छः और वाई फोर, आप ये वाई फोर लेके जाओ, कहाँ आएगा ये आपका यहाँ आ गया, छः और चार, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई, फिर एक्स पाँच है, कहाँ तक जाएगा यहाँ तक आएगा, ठीक है, ये पाँच और पाँच है, इनको मिला देंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पर कहीं ना कहीं काट रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे काटेंगे वो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ इस ग्राफ से आपको इतना एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, आप ग्राफ पेपर बनाइए आराम से एक्स और वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, अप्रोक्स फोर या कैसे आएगी, सॉल्व करके भी देख सकते हैं, अभी से पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व करना बताया था, उसको जरूर देखिएगा। चलिए नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट का ग्राफ आप खुद बनाना, मैं इसको सॉल्व कर दूँ। तो सेकंड पार्ट, फाइव पेंसिल एंड सेवन पेंस की कीमत 50 रुपए है, हम दुकानदार के पास गए, हमने बोला दुकानदार को पांच पेंसिल दे दो, पांच पेन दे दो, पेंसिल दे दो और सात पेन दे दो, दुकानदार ने हमसे 50 रुपए मांगे, ठीक है, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कीमत पहले तो पता होनी चाहिए, तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ वन पेन वाई रुपए मान लिया हमने, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो कि फाइव पेंसिल यानी एक पेंसिल एक्स है, एक्स रुपए की है तो पांच पेंसिल होगी पांच एक्स, एक पेन की कीमत वाई है तो कितने पेन लिए गए हैं सात पेन और इनका टोटल पैसा हमने 50 रुपए दिया है, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकंड इक्वेशन, ये कह रहा है सेवन पेंसिल, सात पेंसिल है इस बार, यानी एक पेंसिल एक्स रुपए की है तो सेवन पेंसिल कितने की हो गई सेवन एक्स, फाइव पेंस पांच पेन, एक पेन वाई का है तो पांच पेन पांच वाई होगा, टोटल पैसा ये पैसा प्लस ये पैसा मिला के इस बार आपने दिए 46 रुपए दिए हैं, ये हो इक्वेशन टू, और आपको इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, अभी ग्राफ के द्वारा जैसे बॉक्स बनवाया था मैंने वैसे ही कीजिएगा, सॉल्व करके बताना है एक पेंसिल और एक पेन की क्या प्राइस है, ठीक है कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, कह रहा है वेदर द लाइंस, हमें बताना है ये तीन लाइन दी हुई, तीन इक्वेशन है, क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है, तो तीन कंडीशन होती हैं, इंटरसेक्टिंग के लिए ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक है, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, समांतर के लिए, समांतर अगर लाइन है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, पिछले वीडियो में कराया था मैंने, और कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो पहले देखिए a1 क्या है, a1 है 5, b1 माइनस 4 और c1 है 8, a2 है 7, b2 है 6 और c2 है माइनस 9, नाउ a1 बाय a2 निकालेंगे यानी ये बाय 5 बाय 7, अब आप b1 बाय b2 निकालिए, ये आ गया माइनस 4 बाय 6 कट के आ गया 2 बाय 3 यानी माइनस 2 बाय 3, ठीक है, अब ये दोनों वैसे ही बराबर नजर आ रही है 5 बाय 7 है और ये माइनस 2 बाय 3 है, यानी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, पहली कंडीशन है, तो लाइंस क्या होंगी इंटरसेक्टिंग, क्लियर हुआ, ठीक है, अगर पहली कंडीशन में दोनों बराबर नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टिंग है यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0,
18x plus 6y plus 24 equal to 0. अब a1 by a2 निकालेंगे, यानी 9 by 18 कट गया, 1 by 2 आ गया. b1 by b2 निकालिए, 3 by 6 यानी 1 by 2 आ गया कट के, ठीक है. c1 by c2 निकालिए, 12 by 24 यानी 1 by 2 आ गया. तीनों बराबर आ रहे हैं, a1 by a2 equal to b1 by b2 और equal to c1 by c2. तीनों बराबर आ गए ना, 1 by 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2. तो लिख देंगे, lines are coincident, यानी रेखाएं संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ऐसे आएंगे लाइन एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है. समझ में आ गया, ठीक है. ऐसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट क्या है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0. तो a1 by a2 निकालिए, 6 by 2 कितना आ गया, 3 आ गया. b1 by b2 निकालिए, माइनस 3 by माइनस 1, ये 1 है यहाँ पे कट गया, ये भी 3 आ गया. c1 by c2 आ रहा है 10 by 9. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, यानी a1 by a2 equal b1 by b2 is not equal to c1 by c2. तो लिख देंगे, लाइंस क्या है बताइए, क्या कंडीशन थी, पैरेलल थी ना, ये वाली कंडीशन है ना, आर पैरेलल यानी समांतर में रेखाएं. ये 3.2 एक्सरसाइज इसी तरह से इजी है, आप कर सकते हैं. ग्राफ भी है और कुछ ऐसे सवाल है. आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीजें लेकर आऊंगी. थैंक यू.